जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे, हमने प्रेजेंट के सारे पढ़ लिए, आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। पास्ट के स्टार्ट होंगे, सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी की पहचान होती है माय डियर, था, थे, थी, या और थी, है ना। जैसे मैं कल कोटा गया, मैंने खाना खाया, मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें था नहीं आता, पीछे था थे नहीं आता। ये तो है हिंदी की, इंग्लिश की पहचान होती है, इंग्लिश की पहचान होती है वी टू और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड। मेरे बच्चों, अगर डिड अगर यूज हो रही है तो फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, वी वन आएगी, है ना, क्योंकि डिड खुद क्या है, सेकेंड फॉर्म है डू की। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट वी टू, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसका इसका अफर्मेटिव का है, तो पढ़ाते हैं। चलो, अपन हमने कल एक भालू देखा था, हमने कल एक भालू देखा था, हमने मतलब वी सब्जेक्ट के रूप में, देखने को बोलते हैं सीन, हाँ सा बोलते हैं, है ना, एस ए डब्ल्यू, सी बोलते हैं देखने को, लेकिन सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी सा सीन। सो वी सा अ भालू, अ बियर। ठीक है, कब देखा था, कल, यस्टरडे। अब अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड निकलेगा और फिर नोट लग जाएगा, वी डिड नॉट। अब यहाँ पे सा नहीं रहेगा, अब यहाँ पे सी रहेगा, क्योंकि डिड भाई सेकंड फॉर्म का भाव कहाँ निकल गया, डिड में। तो वी डिड नॉट सी अ बियर यस्टरडे। अब अगर इसका नेगेटिव वो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड यस नो वाला ध्यान रखना, डिड वी सी अ बियर यस्टरडे क्वेश्चन मार्क, डिड वी नॉट सी अ बियर यस्टरडे। ठीक है, अब एक वाक्य कई बार इसमें आता है और वो होता है ये कि हमने कल क्या देखा था, हमने कल क्या देखा था, तो व्हाट डिड वी सी, व्हाट डिड वी सी यस्टरडे। इसमें कोई प्लूरल कोई सिंगुलर की वो दिक्कत नहीं है, हर एक के साथ वीटू लगानी है ना। तो ये एक और बार रिपीट कर देता हूं, सिंपल पास्ट हिंदी की पहचान था, थे, थी, वाक्य के अंत में या ये, इंग्लिश की पहचान वीटू और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, सब्जेक्ट वीटू, ऑब्जेक्ट अदर, ये इसका स्ट्रक्चर। और हमने एक उदाहरण है, हमने कल एक बार देखा था, तो वी सा अ बियर यस्टरडे, we did not see a bear yesterday, did we see a bear yesterday, or did we not see a bear yesterday। ये तो था इसके चार, affirmative, negative, interrogative, interrogative plus negative। और अब है ये वाला WH word वाला, हमने कल क्या देखा था, तो भालू इसका आंसर था, तो भालू विल बी रिमूव्ड, भालू हट जाएगा, तो what did we see yesterday। ठीक है, ये आपके पर ये सिंपल पास्ट फ्री, कोई इश्यू हो तो बता दो, क्योंकि इसमें प्रेजेंट मतलब इसका प्लूरल का और सिंगुलर का कोई वादा नहीं, सबके साथ वी टू है ना, सबके साथ क्या लगाना है, वी टू। दूसरा टेंस आता है अपने सामने, दूसरा टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस की एक कॉमन चीज क्या थी, किस किस को पता है, हाथ ऊपर करना देगा, बताना मेरा आंसर,
कंटिन्यूस आते हैं, एक चीज कॉमन हो जाती है, क्या होती है नन्ना? निया, शाबाश दिव्या। ये कंटिन्यूस अगर किसी टेंस के पीछे है तो उसमें एक चीज कॉमन है, विवन में आईएनजी, ठीक है ना? चलो तो पास्ट कंटिन्यूस, इसमें विवन में आईएनजी आएगी, सही आनी है। देखो इसकी हिंद की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे, मतलब ये कि हिंदी के वाक्यों के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन ध्यान रखना उसमें से नहीं आएगा, से आते वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है? इंग्लिश की पहचान वाज वर प्लस वी वन में आएंगे, वाज वर प्लस वी वन में आएंगे, बहुत इजी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो स्ट्रक्चर लिखते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट वाज वर में से एक प्लस वी वन में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है? अब प्रश्न ये उठ रहा होगा सर, वाज को प्रयोग और वर को प्रयोग कहाँ करेंगे? तो वाज का प्रयोग जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी वर्ब की एंडिंग एस से हो तो मोस्टली वो सिंगुलर होती है, मोस्टली क्या 99%, कुछ अपवाद है जिनमें नहीं होती, जैसे पास हो गया, है ना? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे हम वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे? वाज, याद करना है, ये बोलना है मेरे साथ, जिससे भी आएगा नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि मेन मुद्दे की बात यह है कि तुम भूल जाते हो, तुम उसे कंटेस्ट नहीं करते, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में डालते नहीं हो, और उसी का लॉ से ये कि तुम पढ़ नहीं पाते, तुम्हें याद नहीं होती चीजें, क्योंकि तुम 5 दिन तो पढ़ लेते हो फिर भूल जाते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम उसकी रिपीटेशन नहीं मारते, रिविजन मारना बहुत जरूरी है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब, ठीक है, बहुत ईजी है। अब जैसे मैं लिखूं कोई नाम, हर्षिता कल इस समय, हर्षिता कल इस समय आलू उबाल रही, हर्षिता कल इस समय आलू उबाल रही थी, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान दो, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाक्य का, वाक्य का सब्जेक्ट वो होता है जो करता है, जो सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है इसमें? हर्षिता, तो हर्षिता, ठीक है। अब हर्षिता सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर, तो वाज लग जाएगा। उबालने को बोलते हैं बॉयल, बॉयल में लगाएंगे आईएनजी, बॉइलिंग, हर्षिता वाज बॉइलिंग क्या? आलू। अब एक आलू तो उगाएगी नहीं, मतलब उबालेगी नहीं, पोटेटोज, हर्षिता वाज बॉइलिंग पोटेटोज एट दिस टाइम यस्टरडे, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो तीसरे नंबर पे नोट ले आएंगे, तीसरा नंबर क्या है? 1 2 3 वोज के बाद। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वोज को आगे लेके आएंगे, बाकी सेंटेंस सेम है, नोट हटा देंगे, क्योंकि अब इंटरोगेटिव है ना कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो वोज हर्षिता बॉइलिंग पोटेटोज एट दिस टाइम यस्टरडे, लास्ट वाला बनाएंगे वोज हर्षिता नॉट बॉइलिंग पोटेटोज एट दिस टाइम यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगेंगे दोनों में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, लिख लीजिए, फिर मैं दूंगा तुम्हें एक्सरसाइज, दोनों टेंस खत्म हो गए ना। बस एक चीज कॉमन चीज याद रखना, वॉज का प्रयोग सिंगुलर, वर का प्रयोग प्लूरल, और घर पे रिपीट किया करो, मेरी आवाज में रिपीट करना है तो वीडियो देखो 10 बार, वहां पैसे भी नहीं लग रहे, बंद नहीं, अभी मैं तो एक्सरसाइज दूंगा ना, मैं खुद कर दूंगा बंद, मजा आता है मुझे उधर आने में। यहाँ लिख दी, यहाँ हो गए कंप्लीट, लिख लें तो ऊपर वाले इरेज कर रहा हूँ, यहाँ देख लूंगा मैं एक साइड, 5 ही फ्रेंड फ्रेंड है मेरे,
वह तब दरवाजे रंग रहा था। कमेंट में कर देना ना, अभी तक तो कर ही नहीं रहे तुम। सिंपल प्रेजेंट की दिल्ली गई थी, उसकी भी नहीं करी। आज डलेगी शायद, नहीं डल गई हो तो ठीक है। मैं कल इस समय गाड़ी धो रहा था, मैं कल इस समय गाड़ी धो रहा था। और कौन सा पढ़ा था पन्ने? सिंपल पास। वह कल होता गया था, राधिका ने कल मेरे लिए चाय बनाई। हम कल इस समय आलू पका रहे थे, तो आप लोगों को बिल्कुल ये आराम से मिल जाएगी एक्सरसाइज यूट्यूब पे वीडियो में। लास्ट में आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, वैसे कमेंट करो तो बेटर है, कमेंट बॉक्स को भर दो, पढ़ सकते हो उसमें क्या है, ठीक है। और शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, लाइक करो। अभी पता है 2 बजे जो वीडियो ने रिलीज करी ना मैंने, उसको कितने जनों ने लाइक किया? 7 जनों ने है पता है। और दूसरी बार सुनो, उस पर व्यूज कितने हैं? 6। लाइक 7 हैं, बट 6 हैं, क्योंकि हमारे बंदे ही नहीं देख रहे ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, उसकी आदत में ही नहीं ला रहे वो, है ना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और भी पसंद आएगी, और आगे भी अपन ऐसे बनाते रहें, क्योंकि अपन नहीं हटे पीछे। अपना टारगेट ये नहीं है, देखो जो पढ़ रहा होगा वो तो पढ़ेगा, जो देखेगा वो तो देखेगा, जो नहीं देखेगा वो तो अपन कितना ही कह दें वो नहीं देखेगा। उसने आदत बिगाड़ ली अपनी, उसे क्या है पैसे देके पढ़ने में मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हम वो वाला मेरा सीन है, बट प्रश्न ये है कि जब रिपीटेशन का आपको मौका मिल रहा है, रिवीजन का, उसी बंदे से जिससे तुम पढ़ रहे हो, तुम उसका सदुपयोग ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा बन के आएगा उसे दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी समस्या हो। जय हिंद, जय भारत।